आज मैं लेकर आई हूँ गर्मी के ऐसे टिप्स जो आपका काम आसान कर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गेहूं, दाल, चावल आदि को कैसे स्टोर करें, खट्टे दही को मीठा कैसे करें, चाय में ऐसी कौन सी चीज डालें जिससे गर्मी में भी चाय से ठंडक मिलेगी, और भी ऐसे बहुत सारे टिप्स। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी के दिनों में आज भी कई घरों में पूरे साल भर के लिए अनाज जैसे कि दाल, गेहूं, चावल आदि स्टोर करके रखे जाते हैं। लेकिन यदि हमने गेहूं, दाल आदि को बराबर स्टोर नहीं किया तो वे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। गेहूं या कोई भी दाल जैसे कि तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल आदि को स्टोर करने से पहले एक दिन धूप में जरूर रखें, ताकि इनमें जो भी नमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। यदि आपके यहाँ धूप ना आती हो तो मैं तो यही कहूंगी कि आप पूरे साल भर के लिए गेहूं, दाल आदि ना लें। 5-6 महीनों तक आपको अनाज पूरे इतना ही लें। मैंने तुअर दाल को धूप में रखकर अच्छे से साफ कर लिया था। तुअर दाल को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सरसों तेल। बिल्कुल थोड़ा सा सरसों तेल हाथ पर लेकर उसे पूरी दाल में अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि दाल के ऊपर तेल की एक पतली सी लेयर आ गई है जो दाल को प्रोटेक्शन देगी। सरसों तेल की ये हल्की सी लेयर प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। ध्यान दें कि हमें तेल ज़्यादा नहीं लेना है। ये 4 किलो दाल है। मैंने 4 किलो दाल के लिए सिर्फ 1.5 टेबलस्पून तेल लिया है। अब ये दाल पूरे साल भर खराब नहीं होगी। इसी तरह आप चना दाल, मूंग दाल आदि को भी धूप में देकर सरसों तेल लगाकर स्टोर कर सकते हैं। गेहूं को स्टोर करने के लिए भी मैंने गेहूं को धूप दिखाकर उन्हें साफ कर लिया था। अब हमें चाहिए थोड़ा सा एरंडी का तेल। जिस तरह हमने तुअर दाल में सरसों तेल लगाया था, ठीक उसी तरह गेहूं में एरंडी तेल लगा लीजिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू। गेहूं के लिए एरंडी तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपके गेहूं पूरे साल खराब नहीं होंगे। चावल को स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग है। चावल को कभी भी धूप में नहीं सुखाया जाता, क्योंकि धूप में सुखाने से चावल के टुकड़े हो जाते हैं और चावल पकाने के लिए हमें साबुत चावल की आवश्यकता होती है। चावल को बिना धूप में दिए ही मैंने साफ कर लिया था। चावल को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए बोरिक पाउडर। हाथ पर थोड़ा सा बोरिक पाउडर लेकर उसे दोनों हाथों से मसल लीजिए, ताकि पाउडर में यदि गुठलियाँ हो तो वो निकल जाए। अब पाउडर को चावल में अच्छे से मिक्स कर लें। ये 2 किलो चावल है। 2 किलो चावल के लिए मैंने सिर्फ इतना सा पाउडर लिया है। ध्यान दें कि जब भी आप चावल पकाने के लिए चावल धोएं तो अच्छे से धोएं, क्योंकि चावल में जो बोरिक पाउडर लगा हुआ है वो पूरी तरह से निकलना चाहिए। मुझे पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और पाउडर लेकर चावल में लगा लिया है। दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि दाल, चावल और गेहूं आदि अनाज को कैसे स्टोर करें, लेकिन ये अनाज साल भर खराब न हो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां और रखनी होगी। जैसे कि जब भी आप अनाज कंटेनर में से निकालें तो आपके हाथ ड्राई हो, इस बात का ध्यान रखें। कंटेनर में से अनाज निकालने के बाद कंटेनर का ढक्कन अच्छे से बंद करें, ताकि उसमें एयर न जाए। हम लोग चाय के इतने आदी हो गए हैं कि गर्मी के दिनों में भी हमें चाय चाहिए। ऐसे में कितना अच्छा हो कि गर्मी के दिनों में हम जो चाय पी रहे हैं उससे भी हमें ठंडक ही मिले। आप सोच रहे होंगे कि चाय से ठंडक कैसे मिल सकती है। मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। उसके लिए आपको चाय में सिर्फ एक चीज मिलानी होगी, और वो चीज है सौंफ। आपको पता ही है कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए चाय बनने के बाद, मतलब चाय में एक उबाल आने के बाद, यदि आपने 4 कप चाय बनाई है तो उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ डालें। फिर चम्मच से हिलाते हुए चाय को 1 मिनट और उबाल लें। सौंफ डालने से गर्मी में आपको चाय से भी ठंडक मिलेगी और चाय का टेस्ट भी अच्छा आएगा। ध्यान दें कि सौंफ चाय में स्टार्टिंग में नहीं डालना है, चाय में एक उबाल आने पर ही डालना है। ऐसा क्यों, ये मैंने एक वीडियो में पहले बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं।
गर्मियों में जब हम बाहर से घर लौटते हैं तो हमारा कुछ ठंडा पीने का मन करता है, और आप जो भी ड्रिंक जूस आदि लेकर आते हैं वो ठंडा नहीं रहता है, तो तुरंत में उसे कैसे ठंडा करें? फ्रिज में रखेंगे तो भी उसे ठंडा होने तो टाइम लगेगा ही। आइस क्यूब हर चीज में डाल नहीं सकते क्योंकि उससे जूस आदि पतले हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आपको जो भी ड्रिंक ठंडा करना है उस पर एक नेपकिन को गीला करके लपेट दें। अब इस बोतल को फ्रीजर में रख दें। आप देखेंगे कि आपका ड्रिंक बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया है, क्योंकि गीले टॉवल ड्रिंक की तुलना में जल्दी ठंडी होती है, जिससे आपका ड्रिंक भी कम समय में ठंडा हो जाएगा। अब गर्मी में ठंडे ठंडे ड्रिंक का मजा लीजिए। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें आइस की जरूरत होती है। हम फ्रिज खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि आइस जमे ही नहीं। अब फटाफट आइस को कैसे जमाएं? आइस जल्दी जमाने के लिए हमेशा हल्का गर्म पानी लें। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना कि आप उसे छू सके। हल्के गर्म पानी से बर्फ जमाएं। आप देखेंगे कि बर्फ कितनी जल्दी जमती है। यह बहुत ही काम की ट्रिक है। लीजिए, हमारी बर्फ जमकर तैयार है। गर्मियों में हम सभी को ठंडा पानी पीना पसंद होता है। फ्रिज का ठंडा पानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, और मटके का पानी ठंडा होता नहीं। ऐसे में क्या करें? मटके का पानी ठंडा हो उसके लिए कुछ ट्रिक्स को अपनाएं, जैसे कि जब भी मटका धोए मटके के अंदर हाथ डालकर न धोए। मटके के ऊपर कपड़ा बांधकर उसे बीच बीच में पानी से गीला करते रहे, और यदि पुराना मटका है तो उसे बाहर से नमक से स्क्रब करें और मटके के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर मटके को अच्छे से हिलाकर धो लीजिए। फिर मटके को साफ पानी से धोकर फिर पीने के लिए पानी भरें। नमक के ऐसे इस्तेमाल से जूने मटके के बंद होल्स खुल जाते हैं, जिससे जूने मटके का पानी भी ठंडा होता है। गर्मी में जब भी हम कोई शरबत या ड्रिंक बनाते हैं तो चीनी को घुलने में वक्त लगता है। हम जो भी ड्रिंक बना रहे हैं वो जल्दी बने, इसके लिए चीनी को मिक्सर में पीस कर रख लीजिए। चीनी पीसी हुई होने से आप जो भी ड्रिंक बना रहे हैं, जैसे यदि नींबू शरबत बना रहे हैं तो पानी में पीसी हुई चीनी डालें, नींबू का रस डालें, घोलें और नींबू शरबत तैयार। गर्मियों में दही खाना, दही के लस्से बनाकर पीना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश दही खट्टा हो जाता है। जैसे यदि हमने चावल ज्यादा डाल दिया हो, दही जमाने के लिए दूध ज्यादा गर्म लिया हो, या दही जमने के बाद उसे ज्यादा देर तक बाहर ही रहने दिया हो, मतलब दही को फ्रिज में रखना भूल गए हो, तो ऐसे में क्या करें? आप दही में थोड़ा सा बर्फ डालकर उसे चम्मच से मिक्स करके दही को एक आध घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। एक घंटे बाद आप देखेंगे कि दही का पूरा खट्टा पानी दही के ऊपर आ गया है, मतलब बर्फ मेल्ट हो गई है और उसके साथ ही दही का खट्टा पानी ऊपर आ गया है। इस तरह खट्टे पानी को बड़ी चम्मच से निकाल दीजिए। अब इस मीठे दही से आपको जो भी बनाना हो, जैसे कि लस्सी, रायता, कढ़ी आदि बना लीजिए। आप जो भी चीज बनाएंगे वो खट्टी नहीं बनेगी। दोस्तों, इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई या कौन सी टिप आपको पहले से पता थी, कॉमेंट करके जरूर बताए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।